बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखी अखियां सुनदियां कनक मुराद शाह इनको विलाग बिच अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदा दोस्तों हैरियत नाल हो सो। अज दा विलाग बड़ा प्यारा हो सी, बड़ा मज़ेदार हो सी और बड़ा सबक अमोज हो सी। अज दे विलाग बिच असी टोटल पांच चीज़ां दा गल कर सां और पांच चीज़ां वो आले सच असी दसां कि जिंदगी दे जड़े कड़वे सच न, जड़े वो सच न कि कई लोग जड़े होने उस चीज़ा अपनी जात चो के मनते नहीं, लेकिन जिस टाइम उन्हें नाल वाह पैंदे बंदा चलदे जिंदगी बिच उनके तजर्बात बनते हैं, उस तो बाद वो भी मनते हैं कि बिल्कुल ये गल सच हैं। और हाथ दिया पांच अंगियां जिस तरह बराबर नहीं होनिया, इस तरह ये दुनिया के लोग भी बराबर नहीं होंगे। हर बंदे दे अंदर अपना अपना माइंड सैट होंगे और सारिया गलां करने को पहले असी अपने खास टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद कर सा कि तुसा कस्ता अज का विलाग भी पसंद आसी, लेकिन जेडे अस्ते दोस्त अस्ते वीवर अस्ते सब्सक्राइबर हैं अस्ता विलाग देख रहे हैं, अगर तुसा कस्ता विलाग पसंद आवे इसको लाइक करो और इसका अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दो। और जेडे अस्ते नवे नाजरीन हैं नवे वीवर हैं उन्हें का दरख्वास्त है कि हनको विलाग को हनको बोली को मिठी जुबान को तुसा प्रमोट करने वास्ते इसका अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी देने, लेकिन सब तो पहले अस्ता चैनल तुसा सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर सो ताकि सब तो पहले अस्ती आने वाली वीडियो तुसा तक पहुँचा के। अज के विलाग बिच पांच बेसिक चीज़ों सुन कड़वे सच हो सुन, लेकिन उस पर सारे को पहला जो सच है वो है जी माँ और बाप। माँ बाप तो हट के जिंदगी बिच कोई भी वफादार नहीं हो सकता। अगर वफादार है कोई बंदा तुसा नाल वफा करने वाला है वह तुसते एक माँ का रिश्ते और बाप का रिश्ते। इसी खातर रब ताला सुन माँ को जन्नत का रुतबा देते है और बाप को जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है कि माँ जड़ी होंदी है वो औरत के रूप में होंदी है और बीवी के रूप में भी है, भैनों के रूप में भी है एक औरत, लेकिन जिस टाइम वो माँ के रूप में होंदी है उस कोलो मिठा रिश्ता कोई भी नहीं होंदा। और माँ का रिश्ता एक ऐसा होंदा है कि यकीन करो उस रिश्ते नाल कोई भी नहीं जुड़ा सकता। इस खातर दुनिया में पहले नंबर तक कड़वा सच जड़े वफादारी अगर है वो सिर्फ माँ और बाप के रिश्ते बिच है, नंबर है। दूसरे नंबर तक जड़ी गल है वो भी बड़ी खास है। गरीब जड़ा होंदा है गरीब सच बिच उसका कोई दोस्त नहीं होंदा। मतलब गरीब जड़ा है आतना गरीबा का सच भी जड़ा होंदा कूड़ होंदा है, अमीर जड़ा होंदा ना उसका कूड़ भी जड़ा है वो सच हो जुलता है। गरीब अगर सच्चाई तो भी हो सी, अगर गरीबा की कुकड़ गुम जुलती है, कुकड़ 800,000 रुपए की कुकड़ होती है, अगर उसकी कुकड़ गुम जुलती है उसका दोस्त देखता उसके सामने मतलब है एक अमीर बंदा चाह के जुल दे उसको नुकसान दें दे, मार छोड़ दे, लेकिन वो गरीब अपने अग जो के जिस टाइम खड़ा हो सी उसका सका जड़ा उस नाल दोस्त होंगे जोड़ा उस नाल 24 घंटे वाह होंगे जिसका वो दोस्त भी उसको उस टाइम आखता है कि यार बस छोड़ थोड़ी 800,000 रुपए की कुकड़ है साहब नाल किस गल की टक्कर कहते हैं। इस खातर के डाढ़े लोगों का कोई भी निखा लगता, लेकिन याद रखो हमेशा कि अग और सच जड़ा वो हमेशा उसकी जित होती है और अग सच नाल खलना इस दौर बिच लोग जड़े हैं इस चीज़ को लो दूर हो जुलते हैं। पावर आला जो बंदा होंगे उसके नाल नाल टुटते हैं। और इस तो बाद तीसरी चीज़ आ जुलती है, तीसरी चीज़ है कि इस दौर बिच अज भी लोग अच्छी सोच को ना अच्छी सोच जड़ी होती है उसको ना अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। मतलब एक बंदा अच्छी सोच रखता है लेकिन वो है बेचारा सीधा साधा है मलंग टाइप है तो लोग उसको आते नहीं एवं ही है वो ये नहीं सही आदमी। उसकी नस्बत एक बंदे वेल ड्रेस है गलां बातों में तेज है तो उसको लोग आख सुन रहे कि भाई ये जड़ा है ठीक है। मतलब कि तीसरी गल जड़ी मैं कीती है लोग सच जड़ा है सच आज दिहाड़े तक सोच जड़ी होंगी है सोच अच्छी सोच नाल नहीं खलते अच्छी सूरत नाल खल जुलते हैं। बंदे की पावर देखते हैं रह के बंदे बस ठीक है जी इसकी अच्छे मामलात हैं लोगों पर उठना बैठना ठीक है तो उसको लोग आखते हैं तू ठीक है एक नंबर आदमी है। तो जोड़ा बंदा सिंपल हो सी सादा हो सी उसको लोग आखते हैं एवं ही बकवास ही है ठीक है। ये त्रीए नंबर आला मैं तुसा खरा और कड़वा सच दसिया। चौथे नंबर आली गल भी जड़ी है वह भी बड़ी खास है और बड़ी कड़वी है। इज्जत सिर्फ पैसे की है इंसान की इज्जत नहीं। जिस बंदे कोल पैसा है वो बंदा भावें 10 ग्रां दूर भी रहें तो उसको जी जान कर सो उसको अच्छे तरीके नाल मिल सो,
लेकिन नाल ही गमांडा था, तुसते गरीब भरा है, रिश्तेदारी बिच है, बरादरी बिच है, लेकिन वो बेचारा जड़ा है उसको पैसा नहीं, वो कह दे मरदा भी है, बीमारी बिच भी है, किसी परेशानी बिच भी है, लेकिन उसकी परवाह कोई भी नहीं करता। ये चौथा कड़वा साच तुसा दस है। और आखिरी गल कर सा, बड़ी पायदार गल कर सा, आखिरी गल जड़ी है, इस टाइम जिस इंसान को खास समझो, जिस इंसान को खास समझो अपनी जिंदगी बिच, वो ही इंसान दुख दें दे। ये पंजवी सच में तुसा दस रहे हैं। ते ये जड़ा पंजवा सच है कि मतलब कोई बंदा भी है अपना खसूसी रिश्ता, जिस तरह मामा ताया चाचा जिंदगी दे अजीज रिश्ते जड़े होने, उन्हें बंदा जितना खास समझ दे, उन्हें ट्रस्ट कर दे, उन्हें अपने मामलातों में भल दे कि भाई ये मड़ी जगह था, अच्छी गल कर सौन, सच्चाई नाल सदाकत नाल खलते रह सौन, लेकिन जिस टाइम सच बन दे ते ओ लोग भी जड़े हैं वो जिन्हें तुसी खास समझते हो, जिन्हें तुसी इज्जत दें दे, वो भी जड़े हैं वो तुसा कुछ टाइम बच्चे दुख चाह देने, तुसते अपोजिट फैसला कर छोड़ दें। ते इस तरह एक टोटल में पांच गल् जुसा दसियां, एक कड़वे सच हैं, और इनकी अगर मैं हूँ तुसा रिविजन करा, मतलब इन्हें अगर कट्ठा कर छोड़ा, पहले नंबर तक तुसा मैं दसिए कि माँ और बाप, माऊ पियो तो हट के जिंदगी बिच वफादार कोई रिश्ता भी नहीं। नंबर दो जड़ा है, गरीब जड़ा है उसका सच बिच कोई दोस्त नहीं होता। और इस तो बाद नंबर त्री नंबर तक जी गल मैं की है, अज भी लोग जड़े हैं अच्छी सोच को ना, अच्छी सूरत जड़ी है उसके पिछा खल जुलते हैं, अच्छी सोच आले कहते हैं कि ये एवं ही है, अच्छी सूरत जड़ा उसी उस कोलो लोग तला भी हो जुलते हैं, उस कोलो डरते भी हैं, सहमते भी हैं, लेकिन याद रखो कि अल्लाह पाक जड़ा है एक रूप में सिर्फ अल्लाह की जात ही है, बाकी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लोग मार खाने उस तो बाद उन्हें समझ आती है। और उस तो बाद चौथे नंबर तक, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की इज्जत नहीं, ये भी कड़वा सच है। और इस तो बाद पंजवें नंबर तक जी गल जस्ती हुई है वो है जी, जिस इंसान को तुसी खास समझते हो वो ही इंसान तुसा दुख दें दे। उम्मीद करदा तुसा अज का विलाग, अज की गलबात पसंद आई होगी इनको जबान बिच, इसी तरह की अच्छी अच्छी गलां बातें सुनना जोगे, देखना जोगे, अस ते चैनल को जिस भरा सब्सक्राइब नहीं कीते दा दरख्वास्त है सब्सक्राइब करके नो, और जड़े लोग अस ते चैनल को डेली दी रूटीन भी देखते हैं, मैं उन्होंने भरावान का भी शुक्रगुजार हाँ। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक लाजमी कर सो गल पसंद आना की सूरत बच। ते अज दे विलाग बिच इतना ही, इंशाल्लाह मिलसा नैक्सट विलाग बिच, अपना अपने कारोबार आलियां दा अपने अजीजो कारब दा खसूसी तौर पर ख्याल रखना है, और मिलसा इंशाल्लाह नैक्सट वीडियो बिच एक नए टॉपिक के नाल। उस टाइम तक मुराद शाह को दो इजाज़त, अल्लाह नगेबान, अस्सलामु अलैकुम।